प्रभुपाद कहते हैं मृत्यु क्या होती है, मृत्यु क्या है, मृत्यु स्वयं कृष्ण है। क्योंकि आप कृष्ण से कनेक्टेड नहीं हो इसलिए मृत्यु से भय है, मृत्यु को अलग देखते हो। प्रभुपाद बोले मैं भगवान से हमेशा कनेक्टेड हूँ। तो ये बम जब आके गिरेगा भी तो कैसा होगा, स्वयं कृष्ण आ रहे हैं मृत्यु के रूप में और मुझे आलिंगन दे रहे हैं और लेके जा रहे हैं, क्या तकलीफ है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 30। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अब योगी कहाँ पहुँच गया, पिछले श्लोक में कहाँ तक पहुँचाया भगवान ने, जो संसार को कृष्णमय देखता है वो ऑलमोस्ट शुद्ध हो गया। लेकिन इस श्लोक में भगवान प्रेम भक्ति के बारे में बताते हैं कि वो भक्ति योग कहाँ पहुँच गया, वो प्रेम के स्तर पर पहुँच गया। प्रेम के स्तर पर पहुँचने पर जिसने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया वो इस संसार में कभी फंसेगा नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं न वह कभी मेरे लिए अदृश्य होगा न मैं उसके लिए अदृश्य होगा। मतलब भगवान उसके साथ हमेशा है। भगवान तो हमारे साथ भी हैं लेकिन वो जागृत हो चुका है। हम अभी भी सवेरे उठते हैं ना तो आँख खुलते हैं धीरे धीरे, हमारी वो परिस्थिति, थोड़ी भक्ति कर रहे हैं थोड़ा आँख खुला, पूरी जागृति हुई नहीं, अभी जब नहाएंगे तब थोड़ा थोड़ा आँख खुलने लगता है। तो कृष्ण प्रेम से नहाना है, कृष्ण भक्ति से नहाना है, कृष्ण के नाम और कथा श्रवण से नहाना है, तब आँख खुल जाएगी पूरी। तो भगवान उसे हमेशा देखते रहते हैं और वो भी पूरे संसार में भगवान देखता है और भगवान का रूप हमेशा उसके सामने रहता है। तो हम नए लोग हैं, अभी भक्ति चालू की है तो हमें क्या बताया जाता है कि सूर्य भगवान की शक्ति है, चंद्र, लेकिन जो प्रेम भक्ति पे हो गया वो भगवान के रूप को देख रहा है, उसके सामने भगवान की लीलाएं 24 घंटा चलती हैं, आँख खुली हो या बंद हो वो भगवान को देख रहा है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत सदैव, ये संत कौन है, ये वही है जिसने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, सदैव भगवान को देखता है। क्यों, प्रेमांजना चुरित, उसकी आंख में क्या लगा हुआ है, अंजन मतलब काजल, प्रेम का अंजन मतलब उसने प्रेम प्राप्त किया है, कृष्ण प्रेम। जो आनंद, यानी हम देखते हैं ना इस संसार में कोई बड़ा व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री है, कोई देश का राष्ट्रपति है, या बहुत बड़े उद्योगपति थे, है ना, जैसे इंडिया में जो सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है उसके साथ कोई मिलने का मौका मिले तो लोग सेल्फी खिंचाते हैं, उस हर उनके साथ बीते हुए हर उस क्षण को, हर पल को एंजॉय करते हैं आनंद, और फिर उसको याद करते 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 अपना जीवन बिताते। कई बार हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे लोगों के घरों में, हमारे पूर्वज हुए, दादा हुए, नाना हुए, उनकी फोटो कई मंत्री के साथ है, उनकी प्रधानमंत्री के साथ है, तो उसको फ्रेम करके जीवन भर रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं। तो सोचिए कि तो मनुष्य हैं, भगवान भगवान के साथ हो जाएंगे तो हर क्षण कैसा होगा। वो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखता, वो कोई पशु देखे, पक्षी देखे, वृक्ष देखे, नदी देखे, पर्वत देखे, वो हर जगह कृष्ण को देख रहा है और कुछ देख ही नहीं रहा है। उसके जीवन में सुख आए तो भी कृष्ण है, दुख आए तो भी कृष्ण है। आपको एक वाक्य बताते हैं। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, भारत जो था वो तो ब्रिटेन के कब्जे में था, मतलब ब्रिटेन के साथ उसको सेवा करनी पड़ेगी, और जापान जो था उसका ब्रिटेन के साथ युद्ध था, है ना, अमेरिका ब्रिटेन एक साथ है, जापान अलग। तो जापान क्या कर रहा था, सिर्फ ब्रिटेन पे नहीं, आसपास जो ब्रिटेन की कॉलोनीज है उस पे भी बमबारी कर रहा। तो सीधी सी बात है कि बम फेंकेगा, तो अब इतनी टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, जहाँ पे लाइट ज्यादा है मतलब वहीं आबादी ज्यादा है, वहीं शहर है, वहीं बम मारते। तो 1942 में कलकत्ता में बम गिरने लगे, और जापानी लोग आते थे बम गिरा के चले जाते थे लड़ाकू विमान से, तो बहुत लोग कलकत्ता छोड़ के जा रहे थे क्योंकि गांव में बम गिरा के फायदा नहीं, ज्यादा से ज्यादा नुकसान कहाँ होगा, शहरों में प्रॉपर्टी का भी और लोग भी ज्यादा है। तो प्रभुपाद जी अपना सेवा करते रहे, वे लिखते रहते थे भगवद गीता की टीका है, और आवाज आती थी इधर बम गिरा उधर बम गिरा, तो बहुत लोगों ने प्रभुपाद से कहा कि आप चलिए
ये शहर छोड़ के चलिए, देख नहीं रहे इधर बम गिर रहा है, मृत्यु आ रही है। प्रभुपाद कहते हैं मृत्यु क्या होती है, मृत्यु क्या है, मृत्यु स्वयं कृष्ण है। क्योंकि आप कृष्ण से कनेक्टेड नहीं हो इसलिए मृत्यु से भय है, मृत्यु को अलग देखते हो। प्रभुपाद बोले मैं भगवान से हमेशा कनेक्टेड हूँ। तो ये बम जब आके गिरेगा भी तो कैसा होगा, स्वयं कृष्ण आ रहे हैं मृत्यु के रूप में और मुझे आलिंगन दे रहे हैं और लेके जा रहे हैं, क्या तकलीफ है। हम में से कोई कह सकता है कि हम इस स्थिति पे हैं? प्रभुपाद जी उस प्रेम भक्ति के स्थिति में, तो हमें भी उस स्थिति पे आना है जहाँ सुख दुख सब कृष्ण है, कुछ अलग है ही नहीं। इसीलिए तो भगवान के भक्तों को बोलते हैं ना कोई दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सब जगह कृष्ण है। पांडवों के साथ देखिए, अन्याय हुआ, दुख मिला, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ा? हमको लगता है कि उनको दुख मिला, उनको क्या फर्क पड़ा? द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण साड़ी के रूप में आ गए। द्रौपदी देखिए साड़ी कौन है, कृष्ण है, आके आलिंगन कर रहे हैं। पांडव जो वनवास में गए तो भी उन्होंने देखा कृष्ण, कृष्ण तो साक्षात आते थे। तो सुख में दुख में भक्त क्या देखता है? भगवान को देखता है। उस सुख और दुख भगवान से अलग नहीं है। तो जब हम उस प्रेम भक्ति के स्तर पर आ जाएंगे, उस कृष्णमय स्थिति में आ जाएंगे जहां पूरा संसार कृष्ण है, तब क्या होगा? तब न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा, सदैव आनंद में रहेंगे। सिर्फ सोच के देखिए ये स्थिति, लेकिन ये स्थिति कोई जादू की से नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं किसी ने आपके ऊपर कुछ मंत्र डाल दिया हो गया, नहीं। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हमारे मन को वश में करना पड़ेगा। वही तो श्लोकों की श्रृंखला चल रही है। हम अपने मन को जब वश में कर लेंगे, प्रयास करना पड़ेगा, और ये लंबा प्रयास, ये एक दो दिन या एक दो महीने की नहीं है, सालों का प्रयास करना। लेकिन ये प्रयास में आपको बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा, और इसका लाभ मिलेगा कब? जब आप हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहेंगे, निरंतर गीता पढ़ते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, भक्तों का संग करेंगे, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएंगे, तब ये आपको आगे लेके जाएंगे। सब पूरी तरह जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स लेके जाते हैं, भगवान अलग अलग रूप में आके एक्चुअली आपकी सिक्योरिटी करते हुए आपको मन से माया से बचा के साइड से ले जाएंगे। लेकिन इनको छोड़ना नहीं। आप बोलोगे नहीं मैंने 2 साल जप किया कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया, तो फिर माया पकड़ ली। तो अगर आपको उस स्थिति में पहुंचना है तो आपको साधना भक्ति में लगा रहना। प्रामाणिक गुरु के आदेश अनुसार प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी का आदेश है उनके लेक्चर्स में, उनके बुक्स में। प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्ण जप करो, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण जप करो, वो आगे बढ़ते रहेंगे उनकी शरण लेते हुए, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? तो इस स्थिति पे पहुंचेंगे, इस प्रेम भक्ति की स्थिति पे पहुंचे। फिर संसार हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर महंगाई बढ़े महंगाई कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, विश्व युद्ध हो ना हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम प्रेम भक्ति के स्तर पे रहेंगे और भगवान के साथ हमेशा रहेंगे। न भगवान हमारे आंखों से ओझल होंगे, न हम उनकी आंखों से ओझल होंगे। ये पूरी तरह से कनेक्शन बैठ चुका है। इसी को कृष्ण प्रेम कहते हैं। हरे कृष्ण।